हेलो। हेलो हेलो। दो मिनट रुको सब लोग। अभी किसी नादान बालक ने स्विच ऑफ कर दिया था। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, 1 2 4, 1 2 4। हेलो हेलो। एंड डू और डाई मैच फॉर बोथ द टीम्स, इट्स मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। एंड 1 विकेट डाउन फॉर दिल्ली कैपिटल। जयराम भाई इज आउट। जयराम भाई, यश गामली मेन बॉलर फॉर द MI। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग बाय तारकेश्वर सहानी। गुड फील्डिंग। गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग बाय यश कामली। गुड बॉलिंग। पावर प्ले का और चलते हुआ, और ये आई थिंक पूरा ओवर डॉट निकला है। कितना रन हुआ? एक ओवर, एक रन, एक ओवर एक रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यश की तरफ से। दिल्ली कैपिटल्स को विशाल सोने इज ऑन स्ट्राइक। डेड बॉल, डेड बॉल। आई थिंक विकेट कीपर ने कुछ कॉल दिया। डेड बॉल, डेड बॉल है, डेड बॉल है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। गुड फील्डिंग में प्रसाद। दर्शन इज ऑन स्ट्राइक। वाइड बॉल, वाइड बॉल है। और ए सिंगल। सिंगल निकालते हुए दर्शन, कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। वो चाहते सिंगल, सिंगल पे अपना गेम कंटिन्यू करें। डेड बॉल, डेड बॉल कॉल किया है, डेड बॉल कॉल किया। उनका प्लेयर बाउंड्री पे नहीं गया था, डेड बॉल कॉल किया उनके, वेट करने बोला उनके प्लेयर ने। उनके प्लेयर बीच बीच में कॉल न मत दीजिए। गुड फील्डिंग में प्रसाद। काफी स्लो मैच चलते हुआ, कड़क शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रसाद की तरफ से। काफी बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन है प्रसाद की तरफ से। और आई थिंक ये 2 रन नहीं बचा लिया है। गुड फील्डिंग बाय कल्पेश, गुड फील्डिंग बाय कल्पेश। वेट वेट वेट,
लेग अंपायर ने डिसीजन दिया कि दो रन है, शायद फील्डिंग करते थे उनका पैर जो है रस्सी को टच हुआ है, अंपायर और लेग अंपायर ने मिलकर डिसीजन दे दिया है दो रन का। बाहर के प्लेयर्स भी बोल रहे हैं यादव जी डोंट टेक टेंशन, बाहर के प्लेयर्स भी बोल रहे हैं कि रस्सी में पैर लगा था। दो ओवर के बाद स्कोर कितना हुआ है सूरज? स्कोर 9 रन, दो ओवर के बाद 9 रन हो चुका है स्कोर। अभी दो ओवर में गियर अप करना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को, दो ओवर में खाली 9 रन हुए उनके, अगर उनको जीतना है क्वालिफाई करना है तो उनको रन मारने पड़ेंगे, अगर एमआई को जीतना है तो उनको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। दोनों टीम के लिए डू और डाई का मैच। और ये वाइड और बढ़िया शॉट, चौका, एक नंबर शॉट बाउंड्री की तरफ, विशाल ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है, कड़क शॉट। और ये एक्स्ट्रा वाइड, एक्स्ट्रा जा रहे बॉलर प्रेशर में, फिर से एक बार 2 रन के लिए शॉट, बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए विशाल सोने, दो ही बॉल हुए। और ये फिर से नो बॉल, और कल्पेश एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डाल रहे, काफी प्रेशर में लग रहे हैं विशाल, वही प्रेशर का फायदा उठाते हुए अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से एक बार वाइड, प्रेशर 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 गेम, देखो प्रेशर क्या करा देता है बॉलर से, प्रेशर काफी सेंसिबल बैटिंग है विशाल सोने, क्लासिक शॉट क्लासिक ड्राइव बाउंड्री। क्लासिक शॉट वंस अगेन, दैट्स वाइड, ओ माय गॉड, एक्स्ट्रा अगेन एक्स्ट्रा, यादव जी कीपिंग के चांस था, आपने कीपिंग छोड़ दिया, आपको अपॉर्चुनिटी था एक बढ़िया प्लेयर को आउट करने का। फिर से कड़क शॉट विशाल सोने, लगता है मैन ऑफ द सीरीज के रेस में आ चुके हैं विशाल सोने, साइकिल लेके जाएंगे लगता है आज, बढ़िया प्रदर्शन, 3 बाउंड्री ओवर में। बेहतरीन प्रदर्शन, एमआई के बॉलर फिर से दबाव में, नो बॉल कॉल किया है, लाइन से टच हुआ है मेरे ख्याल से उनका पैर, नो बॉल कॉल बाय द अंपायर, एंड दैट्स मैच चेंजिंग ओवर फॉर द डीसी। 1D ए बॉल की तले, बॉल रिशु, बॉल रिशु विवेक, बॉल 5 बॉल एंड अगेन एक्स्ट्रा, प्रेशर, सी व्हाट प्रेशर डज, फिर से एक बार नो बॉल दिया है अंपायर ने, लाइन को टच किया गया, नो बॉल, अंपायर अंदर मत जाइए, कैप्टन बाहर रहिए, प्लेयर्स अंदर मत जाइए, पेनल्टी मिलेगी। गुड एंड सेंसिबल बैटिंग बाय विशाल सोने, एंड आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर, आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 33 एंड एज अ ह्यूज टोटल इन 3 ओवर्स, वेल एंड गुड बैटिंग बाय विशाल सोने, नन अदर देन विशाल सोने, ही इज प्लेइंग सो गुड, एंड द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मिस्टर संतोष यादव, एंड सिंगल एंड गुड बैटिंग। अभी कैप्टन देखते हैं आउट कर पाते क्या इनको, चौथा ओवर मैच का, और भी
ईशान सोने ने बॉल स्टेडियम के बाहर मार दिया है। अब आ चुके उनके हिटर नीलेश गुप्ता, काफी अच्छा हिट करते नीलेश गुप्ता, देखते कितने बाउंड्री मारते हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रंटर फ्रॉम संतोष यादव जी, वेरी गुड विकेट टेकन, अपना परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू कीजिए, चाहे चार बॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो रन कम हो सकता है। देखिए देखिए ऐसा रहता बॉलिंग, अपने लोगों को दिखा रहे कि कैसा बॉलिंग करना चाहिए, अपने फील्डर को बता रहे। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, एंड दैट टूडी, नो नो नो, इट्स हेलो हेलो माइक चेक, एंड दैट फैंटास्टिक शॉट फ्रॉम यश कामली, फोर रन फ्रॉम द गैप।
इथे चौकार मारण्याच्या नादात आणि फलंदाजीला आलेत ते लोकेश, सात चेंडू 14 धावा। आणि पाहुयात इथे बाहेर जाणारा चेंडू, मात्र काही इंच आतमध्ये पडलाय आणि 2 धावा देऊन जातोय मुंबई इंडियन्स संघाला। 6 चेंडू आणि 12 धावा, 200 च्या स्ट्राइक रेट ने फलंदाजी करावी लागेल मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांना। मित्रांनो, क्रिकेट म्हणजे प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करते हुए हाथ, सम्मान पर चलते हुए पांव और ये सत्य से जुड़ी हुई जबान, ईश्वर जिसको पसंद करते हैं और ये क्रिकेट जिसको हम ये रोशनाई में ये जो नज़ारा हम देख रहे हैं, ये क्रिकेट का अद्भुत नज़ारा RPL सीजन 6 के माध्यम से स्वतः कर्णधार संतोष यादव 6 चेंडू 12 धावा। आणि पाहुयात पहिला चेंडूवर मात्र इथे धावायचा प्रयत्नही करत नाहीयेत, काहीशी गफलत होते गल्लत होते आणि पहिल्या चेंडूवर होतोय फलंदाज बाद। 5 चेंडू 12 धावा, 5 चेंडू 12 धावा, सुंदर अशी फलंदाजी, कप्तानी बारी करून बाद झाले संतोष यादव। आणि इथे मात्र सांगायचंय सांगायचंय पंचांनी सांगायचंय, सुंदर क्षेत्ररक्षण। सुंदरंदाजी परंतु तेवढंच सुंदर से क्षेत्ररक्षण। आणि पाहूयात आता इथे प्रसाद काय करतोय, 3 चेंडू शिल्लक आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे ती मुंबई इंडियन्सला हा सामना जिंकण्यासाठी। आणि इथे 2 चेंडू आणि 9 धावा, आता मात्र मॅच काहीशी कठीण होते ती मुंबई इंडियन्स संघासाठी। सुंदर असं प्लेसमेंट होतं परंतु चौकार काय होऊ शकला नाही। शेवटचा चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे, हा जर चेंडू लीगल डिलिव्हरी असेल तर मला वाटतं सामना इथेच संपेल। आणि हा 8 धावांचा फटका होता परंतु आणि याच बरोबर दिल्ली कॅपिटल संघाने हा सामना जिंकलेला आहे। हरेंद्र विश्वकर्मा आणि त्यांचे सहकारी जल्लोष मनवताना आपल्याला इथे दिसत आहेत मैदानात, आणि संतोष यादव आणि त्यांचे सहकारी मात्र निराश होऊन मैदानातून आपल्याला बाहेर जाताना दिसत आहेत। सुंदर असा त्यांनी प्रयत्न केला होता परंतु प्रयत्न थोडासा कमी पडलाय आणि इथे त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागलाय।